हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा था उसमें यूनिट थर्ड चल रही थी हमारी, तो उसमें यूनिट थर्ड का लेक्चर 5 हम इससे पिछले लेक्चर में डाल चुके हैं, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारे यूनिट थर्ड का लेक्चर 6 है। तो सिंपली आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कल्टीवेशन ऑफ वायरस। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एंड रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के बारे में। तो इसमें हम बेसिकली इसमें छोटा सा टॉपिक बच गया था, उसी के में छोटा छूट गया था, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा कल्टीवेशन ऑफ वायरस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं कल्टीवेशन ऑफ वायरस। तो कल्टीवेशन ऑफ वायरस बेसिकली होता क्या है, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि जो ऐसा है सिंपली जो हमारे वायरस होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, सो दे कैन नॉट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया, जो कि कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते ये हमारे। क्योंकि क्यों नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं और इस वजह से ये कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। तो कल्टीवेशन ऑफ वायरस आर एज फॉलोस। जैसे कि वायरस का जो कल्टीवेशन है वो टू टाइप से फॉर्म किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा लेबोरेटरी एनिमल्स, इसमें तो लेबोरेटरी एनिमल्स में क्या होता है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। ये जो है बहुत पुराना मेथड है कल्टीवेशन ऑफ वायरस के लिए। इस मेथड में क्या होता है, एनिमल्स को यूज किया जाता है फॉर दिस सच एज जैसे कि रैबिट एंड गाइंस विद माइस रेट फॉरेड एक्सेट्रा। इनके लिए एनिमल्स के पर जो हम क्या करते हैं वायरस के लिए इनोकुलेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जिससे कि फिर क्या होता है या तो फिर उस एनिमल्स की डेथ होगी या उसमें जो भी हमारा जो जिस टाइप का मतलब वायरस है उसमें इनोकुलेट किया जाएगा, या तो वो उनके लिए इसमें डिसीज कॉज करेगा या उनकी डेथ हो जाएगी। सिंपली ये होता है। फिर उसके बाद एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए इनोकुलेशन किया जाता है, यूज फॉर द स्टडी ऑफ पैथोजेनेसिस इम्यून रिस्पॉन्स एंड एपिडेमियोलॉजीज। यहाँ पर जो है इनोकुलेशन मतलब एनिमल्स को का जो हम इनोकुलेशन करते हैं यूज करते हैं स्टडी करने के लिए पैथोजेनेस इम्यून रिस्पॉन्स उसका कैसा है एंड एपिडेमियोलॉजी, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें मेथड है एम्ब्रॉय एक्स। ये भी हमारा एक कल्टीवेशन ऑफ वायरस का ही मेथड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एम्ब्रॉयनेटेड हैंस का एग लेते हैं। एग जो होता है उसमें ऑफर सेवरल साइट्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरस। उसमें जो है उसकी सेवरल साइट्स पे जो है वायरस को हम कल्टीवेट करने के लिए जो है उसमें लगा जो वायरस को यानी कि उसमें कट करते हैं। फिर फर्टाइल चिकन जो हमारा होता है यानी कि चिकन फर्टाइल चिकन्स एग इनोकुलेट फॉर 5 to 12 days कैन बी इनोकुलेटेड थ्रू द सेल एसेप्टिकली, द ओपनिंग में बी सील्ड विथ पैराफिन बैग्स एंड द एग इनोकुलेट एट 36 degrees Celsius पर हम उसके लिए मतलब कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। फिर उसके लिए जब तक मतलब फॉर द ग्रोथ ऑफ वायरस, जब तक कि उसमें वायरस ग्रो ना करे तब तक के लिए हम उसके लिए रख देते हैं। एंड वायरस में किल द चिक एम्ब्रॉय एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ वायरल एक्टिविटी। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं, दिस इफेक्ट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस। फिर इससे जो है जो इफेक्ट जो हमारा वायरस होता है वो इफेक्ट डाल देता है अपने आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा मुर्गी का जो एग होता है उस पर जो अपना इफेक्ट डालेगा उससे हमारे लिए आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वायरस कल्टीवेट किस टाइप का वायरस कल्टीवेट हुआ यानी कि किस टाइप का वायरस बना वो हमारे लिए आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अगला टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि डिसइंफेक्टेंट्स। तो बेसिकली इसमें डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स हम बहुत ही डीपली में डिस्कस करेंगे। तो डिसइंफेक्टेंट्स बेसिकली क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं हमारे ये दैट आर अप्लाई, जो कि अप्लाई किए जाते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर। क्योंकि वो डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे एंड द प्रोसेस इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट, और ये प्रोसेस है वो डिसइंफेक्टेंट्स कहलाती है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स आर यूजली बैक्टीरियोसाइडस बट ऑकेजनली दे मे बी बैक्टीरियोस्टैटिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि केमिकल्स एजेंट्स इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि जितने भी हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं उनके लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स के नेम से जानते हैं। सम डिसइंफेक्शंस डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट टर्म में यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म हैं हमारी, उनमें जो है डेफिनेशंस हैं, और ये जो है जो शॉर्ट टर्म है ये आपके लिए आगे कंपटीशन के एग्जाम आएंगे उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये आपके लिए बहुत ही पता होना चाहिए क्योंकि आप फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं तो
तो आपके लिए चीज़ पता होनी चाहिए, और आगे चल करके आप जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो इन टर्म के बारे में आपके लिए डीपली में पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ शॉर्ट टर्म में इसके लिए डिफाइन किया है, जैसे कि एंटीसेप्सिस जो हमारे होते हैं वो प्रिवेंट बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन से वो प्रिवेंट करते हैं। एंड बैक्टीरियोसाइडल जो हमारे होते हैं वो केमिकल एजेंट्स होते हैं, वो हमारे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि कैपेबल किलिंग करते हैं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टैटिक्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जैसे कि जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को बट डू नॉट किल देम, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को जो इनहिबिट करते हैं उसकी उसे किल नहीं करते, उन एजेंट्स के लिए हम या उन मतलब एजेंट्स के लिए हम बैक्टीरियो स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। बायरिसाइडल हमारे क्या होते हैं, जो ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि कैपेबल फॉर ऑफ किलिंग वायरस, यानी कि जो वायरस के ही ये किल करते हैं वो हमारे बायरिसाइडल के कैटेगरी के जो एजेंट्स होते हैं। एंड फंगिसाइडल हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि कैपेबल ऑफ किलिंग फंगी, यानी कि फंगी के लिए किल करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी कुछ बात करते हैं, जैसे कि आइडियल डिसइंफेक्टेंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनकी कुछ आइडियल सुल्ट यानी कि आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड सेकंड नॉन टॉक्सिक एंड फास्ट एक्टिंग अडरलेस एंड इकोनॉमिकल्स इजी टू यूज स्टेबल ऑन स्टोरेज, ये हमारी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, डिसइंफेक्टेंट्स की। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक्स में आपके लिए डीपली में जो है जाना पड़ेगा और आपके लिए डीपली में ही समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आगे आने वाली जो है कंपटीशन परीक्षाएं हैं आपके फार्मेसी स्टूडेंट हैं आप तो इस ये आपके लिए पता होनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि डिसइंफेक्टेंट्स जो हमारा है उसकी क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो केमिकल एजेंट्स में भी क्लासीफाई एस जैसे कि एसिड एंड एल्कली, हैलोजन्स, हैवी मेटल्स, फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स, एल्कोहल, डाइस, डिटर्जेंट्स एंड सोप, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड एंड एल्डिहाइड्स, ये हमारे कुछ इसके मतलब क्लासिफिकेशंस हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट्स, और ये हमारे सभी जो एजेंट्स हैं ये केमिकल एजेंट्स ही हैं और ये डिसइंफेक्टेंट्स एजेंट्स भी हैं, ठीक है। तो इस यही हमें आपके लिए हमारे लिए यही बताना था आपके लिए इस वीडियो में, कैसी लगी आपके लिए वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी आपके लिए वीडियो। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं जो क्लासिफिकेशंस हैं डिसइंफेक्टेंट्स के, इनकी थोड़े थोड़े डीपली में जो है इनकी डेफिनेशंस के टाइप्स जो है इनके लिए अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।